हाय, दिस इज बुल इन्वेस्टमेंट। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमें SIP या इन्वेस्टमेंट क्यों जल्दी शुरू करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मेरी सैलरी कम है। अगर आप सोचिए, खुद सोचिए, एक बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या जो बंदा मुश्किल से 20-25 हज़ार कमा रहा है और उसका जैसे तैसे घर चल रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि जो 1 लाख कमा रहा है उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है उसको बड़े गोल के लिए उसको पैसे की ज़रूरत हो, लेकिन जो 20-25 हज़ार कमा रहा है या 30 हज़ार कमा रहा है, मुश्किल से उसका घर चल रहा है, उसका पूरा फ्यूचर अंधेरे में दिखता है, उस बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और वही बंदा बोलता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते। आज अगर नहीं बचते हैं तो कल भी नहीं बचेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे गोल होते हैं जिन्हें हम आगे चल के, आप चाहें या ना चाहें, वो गोल आपके पास आएंगे। अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होना ही है, उसकी शादी ज़रूरी करेंगे आप, उसको हायर एजुकेशन कराइए, उसे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आपको जो भी बनाना हो, आज के ज़माने में वो खर्चा बहुत बड़ा है। अगर आपकी लड़की है उसके लिए भी सेम ही खर्चा है, उसके एजुकेशन, उसके हायर एजुकेशन के लिए सेम खर्चा है, उसके शादी के लिए। अभी इंडिया में तो दहेज का भी काफ़ी अच्छा खासा लोग डिमांड करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं, उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। एक टाइम के बाद आप बुढ़ापे में जाएंगे, बूढ़े होंगे, रिटायर होंगे, उस वक्त भी आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर आप जवानी में अगर पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो बुढ़ापे में क्या गारंटी है कि आपके पास पैसा होगा? अगर आप आज 500-1000 रुपये की भी SIP नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे जाके कोई गारंटी है कि आने वाले 5-10 साल में आप SIP कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी आपकी इनकम हो, जितनी भी आपकी इनकम हो, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपका 20 हज़ार इनकम हो तो 5 हज़ार की SIP करिए, इवन 500 रुपये की SIP करिए, 1000 रुपये की SIP करिए। अगर कुछ भी नहीं बचता तो आखिरी में 100 रुपये की SIP करिए, क्योंकि अगर आप 100 रुपये की भी SIP को अगर लंबे वक्त तक खींचते हैं, तो वो भी आपको 5 से 6 करोड़ रुपये बना के देगा। 50 से 60 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पर ये पॉसिबल है। आप कुछ बचत नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। तो आप ट्राई करिए, जो भी आपका इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करिए। हर महीने नहीं बचा पा रहे तो किसी महीने में, जिस महीने में भी थोड़ा एक्सेस पैसा बचता है, आप बचाइए। अपने गोल के बारे में सोचिए, किसी को घर लेना है। आज घर की महंगाई इतनी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, घर की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप आज नहीं ले पा रहे, आप 1000 की SIP कर दीजिए ना, 20-25 साल में वो 1000 की SIP कम से कम 1 करोड़ का वैल्यूएशन क्रिएट करके देगा आपको। आप उससे घर ले सकते हैं। आपकी बच्ची है, उसकी शादी होगी 20-22 साल में, उसके नाम से 1000 रुपये की SIP कर दीजिए, वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए उसको डॉक्टर बनना है, बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो भी आपका, आपने जो भी सोच रखा अपने बच्चों के लिए, उसके नाम से 500-1000 की SIP कर दीजिए। अगर आप 2-3 हज़ार की भी SIP करते हैं तो आपका पूरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप बहाने निकालेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं बचता, कुछ नहीं है, मैं कहाँ से SIP करूँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँ, सब खाने पीने में ख़त्म हो जाता है, तो उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। इसी तरह के और भी टॉपिक है मेरे पास, जिसके बारे में आपसे मैं आगे चल के बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।